क्षेत्र की जनता को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। ऐसा आशीर्वाद कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, वो अद्भुत आशीर्वाद दिया है। कुल वोटों के 77% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, 63 में देश में सर्वाधिक है ये। अब मेरे मन में केवल एक ही संकल्प, संपूर्ण संसदीय क्षेत्र अपना परिवार है, यहां कोई नेता और जनता नहीं है, नेता और कार्यकर्ता नहीं है, यहां भाई है, बहन है, मां भांजे हैं, भांजियां हैं, बुजुर्ग है, अपना परिवार है, और इस परिवार की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ना है। कांग्रेस अभी भी सरकार बनाने का विचार बना रही है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने अभी भी देख रहे हैं। 100 सीटें है नहीं, 99 पे अटके हैं, दिन में ख्वाब देख रहे हैं, मन को बहलाने को राहुल जी ख्याल अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी जी बन रहे। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, क्या कभी रह रही है? तीसरी बार 300 पार ही अपने आप में चमत्कार है, कब ऐसा इतिहास बना है कोई बता दे। किस्मों से कांग्रेस बात कर रही है, 2004 में 145 सीटों पर सरकार बनाई थी, 145 सीट, 2009 में 206 सीटों पर सरकार बनाई थी, तो हमारी तो 243 है और एनडी के पास 293। रोजगार के लिए औद्योगिक क्षेत्र यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए प्रारंभ किया, निवेश के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से, जैसे लखपति दीदी रोजगार सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ऐसा नेटवर्क खड़ा करना कि जिसमें दीदियां बहने काम करके धन कमाए, कम से कम 10,000 रुपया महीना उनकी आमदनी हो जाए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उद्यम क्रांति योजना, मुद्रा योजना, इनका बेहतर क्रियान्वयन करके भी रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, तो अनेकों तरीके जिनका हम उपयोग करें। धन्यवाद, पत्रकार मित्रों को भी प्रणाम।